स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण संबंधित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि कोविड और एंसेफलाइटिस से गोरखपुर को मुक्त कराने के लिए जन समुदाय का सहयोग नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगवाएगा और हर बुखार के रोगी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। कोविड टीकाकरण स्थल पर मास्क, 2 गज की दूरी, साफ सफाई जैसे प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई टीकाकरण में अवरोध पैदा करता है तो जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि कोविड टीकाकरण एवं एंसेफलाइटिस उन्मूलक विषयक कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग ने स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च C4 के सहयोग से शुक्रवार को किया। कार्यशाला में पत्रकार बंधुओं के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. प्रसाद, डॉक्टर गणेश यादव, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अंगद सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी K.N. बर्नवाल, जिला क्वालिटी इंश्योरेंस कंसल्टेंट डॉक्टर मुस्तफा खान, जिला ARO KP शुक्ल, आदिल, संदीप राय, सोएब, WHO के SMO डॉक्टर संदीप पाटिल, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, UNDP के प्रतिनिधि पवन सिंह और पाथ संस्था के अधिकारी डॉक्टर राहुल कांबले, प्रतिनिधि राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, और उसने यह कहा लेकिन एक साथ सब लोग बैठकर उसमें मुद्दा हम तो बात करेंगे एक सिंड्रोम है, एक अकेले बीमारी नहीं है, लग पा रहा है या कोमा में चला जाता है तो उसको हम AES में क्लासिफाई करते हैं। कन्वर्शंस आना यानी झटके आना है तो ये बहुत से बहुत बड़ा भी है, उसमें आपके एंट्रोवायरसेस, डेंगू, चिकनगुनिया, मोटा मोटा कहना है कि दिमाग की बुखार जो है बहुत से कारणों से होती है। जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के फैमिलीज है वहाँ पे और जो रूरल एरिया में रहते हैं कॉलेजों से है तो विगत 2-3 सालों में यहाँ भी काला जार का एक केस पाया गया। काला जार एक ऐसी डिजीज है जिसका कंट्रोल मेजर बहुत ही कठिन है क्योंकि ये सैंड फ्लाई से होता है और इसका इलाज बहुत ही महंगा है। इंसेफ्लाइटिस जो कि फीवर से अरे मॉस्किटो से होता है उसकी भी फ्रिक्वेंसी कम है। क्या आप एजेंडा रहेगा, कैसा आप कैसा सोचते हैं? तो मैंने यही कहा था कि मेरा तो सपना ये है कि हम प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर देंगे, बिहेवियर पब्लिक के प्रति, पेशेंट के प्रति बहुत ही फ्रेंडली हो, ये सब चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इधर हम लोग कोरोना में आप लोगों के सहयोग से विजय हासिल कर लिए हैं। आज के दिन में हमारे जिले में सिर्फ 12 एक्टिव केसेस रह गए हैं, सभी स्वस्थ हैं, अपने घरों में हैं। रोज़ हम 4,000 से 5,000 की सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी बाड़मेर के ज़िले में, महाराजगंज ज़िले में कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे लेकिन हमारे ज़िले में उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। हम उस बाड़मेर एरिया के जितने भी गांव थे उन सभी लोगों को 100% इम्यूनाइजेशन करने के डाल रहे हैं। रोज़ हमारा इम्यूनाइजेशन उधर चल रहा है। अब JES की बात है तो JES में भी हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। आप लोग सहयोग से हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि जिस तरह से बचाव किया जा सके उस तरह से हम लोग बचाव करते रहे या मेडिकल कॉलेज को रिफर करते हैं। हमारे 108 और 102 एम्बुलेंसेज हैं। आज मैं आप लोगों को इनके कोऑर्डिनेटर जो हैं उनके नंबर भी हम शेयर करेंगे क्योंकि जैसे कभी हमारे पास फोन आता है कि किसी पेशेंट का कि हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो हम उन यूनिक कोऑर्डिनेटर को हम फोन करते हैं। तो आज हम डॉक्टर नंद से कहेंगे कि उन कोऑर्डिनेटर्स के नंबर आप लोगों को भी दे दें कि बाय द वे अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग स्वतः फ़ोन करके उनको कहिए कि ये पेशेंट है वहाँ पर आप बात कर लीजिए। धन्यवाद हमारी तरफ से आप लोगों को, आप लोगों का बधाई है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। आज हम जो स्वास्थ्य विभाग इधर कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना नियंत्रण और JES जो इस एरिया में प्रेविलेंट है उनकी कैसे रोकथाम की जाए इसके ऊपर एक प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों से चर्चा हुई
कि पब्लिक को कैसे हम लोग अवेयर कर सके, कैसे कोरोना को नियंत्रण हम लोगों ने किया है, उसी तरह JES का भी नियंत्रण किया हुआ है, ये बीमारियां और बढ़ने ना पाएँ। हाँ, प्रेस के माध्यम से हम लोग चर्चा किए और जिससे कि आम पब्लिक को भी पता चल जाए कि क्या क्या करना है, कैसे इसको रोका जा सके, इसी पर चर्चा।